Hi guys, today we are going to continue with the second lecture of light's reflection and refraction. Reflection of light. So today we are going to start with the part reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने के लिए हमें कुछ लॉस की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मान लो ये मेरा है प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस में एक रे गिरा और इस रे को मैं कहेंगी इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट का रे गिरा वो है मेरा इंसिडेंट रे। और उसके बाद ये रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसे मैं कहूंगी रिफ्लेक्टेड रे। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत पड़ती है, अगर ये एक मेरा प्लेन सरफेस या एक लाइन है, इससे जो 90 डिग्री में रहेगा वो होता है मेरा नॉर्मल। तो यहाँ पर इस वाले प्लेन सरफेस में जो 90 डिग्री में है वो है मेरा ये वाला सरफेस, तो इसको मैं कहूंगी नॉर्मल। अभी एक देखने वाली चीज है, जो मेरा इंसिडेंट रे है ये गिरता है जो और नॉर्मल रे है, नॉर्मल है इसके साथ ये जो एंगल बनाता है, जो थीटा बनाता है वो मैं थीटा वन रखती हूँ। और दूसरा जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो मेरा नॉर्मल के साथ जो थीटा बनाएगा वो होगा मेरा थीटा टू। तो देखने वाली चीज है कि थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू होता है, मतलब इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया और रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो दोनों इक्वल है। और इन दोनों एंगल्स को मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कहती हूँ। तो इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ने जो मेरा नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब मेरा ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, मेरा रिफ्लेक्टेड रे, मेरा नॉर्मल, ये सब कहाँ पर है? इसी प्लेन में है। देखो इंसिडेंट रे गया, नॉर्मल गया, रिफ्लेक्टेड रे गया, सब तो एक ही प्लेन में है मेरा, कोई और प्लेन में तो नहीं है, यहाँ 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 नहीं है, सेम प्लेन में है। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब लोग एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और यही है मेरा दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अभी ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या ये सब में एप्लीकेबल है, जैसे कि सारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस में? द आंसर इज येस। हाँ, जैसे मैंने तो एक प्लेन सरफेस लिया, मिट जा। हाँ, मैंने तो प्लेन सरफेस में बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ऑल ये सब। अभी अगर मेरा सरफेस कुछ इस तरह का बन जाए, मतलब क्या कर्व्ड सरफेस, तब क्या ये लॉ वैलिड होगा? देखते हैं, ये गिरा मेरा इंसिडेंट रे, ये गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल कहाँ है? ये देखो, नॉर्मल इसी पॉइंट से बनने वाला है, तो इस पॉइंट से 90 डिग्री में ये है, ये रहा 90 डिग्री में। तो अभी भी क्या हुआ, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया एंगल वो थीटा है, और रिफ्लेक्टेड रे ने भी जो बनाया वो भी थीटा है, मतलब यहाँ पर भी लॉ वैलिड है। तो इसका मतलब यही जाता है कि ये लॉ सारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए वैलिड होते हैं। अब हाँ, यहाँ पर क्लियर एक डायग्राम दिया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है मेरा सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, मतलब जो प्रॉपर्टीज है एक इमेज का
प्लेन मिरर में, कोई और मिरर में नहीं, प्लेन मिरर में। अभी समझ लो, हाँ ये मेरा मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक होगा तब कर लेंगे। तो अभी याद रखने से होगा कि इमेज का प्रॉपर्टी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी, ये रहा मेरा मिरर। अभी ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट बी। अभी ये जो इमेज फॉर्म होगा क्या ये इस तरह से होगा? नहीं होगा ना, ये इमेज तो इस तरह से फॉर्म होने वाला है, उल्टा। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी है लैटरली इन्वर्टेड। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है और मेरा इमेज है, तो मेरा इमेज होगा मेरे ऑब्जेक्ट से उल्टा, लैटरली इन्वर्टेड। वो है मेरा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तीसरा, मेरा ये जो इमेज का जो भी साइज है वो मेरे ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होगा। तो ये हो गया मेरा थर्ड प्रॉपर्टी। और आखिरी वाला प्रॉपर्टी है, मेरा इमेज जो है मेरे मिरर से जितना डिस्टेंस में है उतना ही डिस्टेंस में मेरा ऑब्जेक्ट भी मिरर से है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। मतलब इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा है लैटरली इन्वर्टेड, तीसरा है इमेज साइज, मतलब इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज इक्वल, आखिरी वाला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से एंड इमेज का डिस्टेंस मिरर से इक्वल है। देन अभी आ जाता है मेरा स्फेरिकल मिरर्स। ओके, हाँ तो स्फेरिकल मिरर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अलोंग विद अ स्पून, कनकेव एंड कन्वेक्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, बाय बाय।